Hello friends, today I discuss how to print a ferrule by ferrule printing machine. ये देखिए इसका जो नंबर जो मशीन है उसका ये नंबर है, ठीक है. तो अब हम देखेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको कैसे यूज़ करते हो देखेंगे. देखिए पहले इसको एडाप्टर लगाना पड़ेगा. एडाप्टर लगा दिया, पावर ऑन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद ये जो पावर ऑन का बटन है उसको ऑन कर दिया. देखिए वो अभी ऑन हो गया, ठीक है. अब इधर कंटिन्यू ऊपर देखिए, जो इधर अभी जो कंटिन्यू दिखा रहा है इसको हम एंटर दबा देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा. तो इससे पहले हम लोग ऊपर वाला ऑप्शन में जाएंगे. देखिए ये की का ऊपर वाला बटन से ऊपर वाला ऑप्शन में गया और उधर में जाके एंटर दबाया. देखिए इधर का क्या आ रहा है, कुछ साइज, देखिए कुछ साइज मांग रहा है, ठीक है सर. तो पहले इक्कीस का साइज है, जो ट्यूब होता है ना फेरुल फेरुल का जो ट्यूब होता है इसका साइज इधर देना पड़ेगा. तो उसका जो साइज है पहले इसमें आ रहा है, आना पड़ेगा सेट में. तो पहले देखिए सेट में जा रहा हूँ. अभी देखिए इसमें 2.5 दिखा रहा है, ठीक है ना. तो हमारा जो ट्यूब है इसका साइज 3.2 है, तो उसको 2.5 का जो इधर 3.2 डालना है. तो इधर देखिए साइड वाला बटन से हम लोग साइज इंक्रीज करेंगे. देखिए अभी देखिए 3.2 आ गए, तो अभी इसको एंटर दबा देंगे. ठीक है, ये मेन पेज पे आ गए. तो अभी तो प्रिंट करने से पहले कुछ चीज़ जानना पड़ेगा कैसे इसको सेटअप करते, ठीक है. देखिए सबसे पहले ये जो ढक्कन है इसको खोलना पड़ेगा. इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर एक लॉक है, इसको ऐसे दबा के ऐसे ऊपर उठा के इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है. अभी देखिए एक ट्यूब सेट किया हुआ है, इसको खोल के मैं सेट करके दिखाता हूँ कैसे इसको सेट करते हैं. ओके, देखिए ये जो ट्यूब है इसको हम खोल लिए, ठीक है. ये देखिए ट्यूब देख लीजिए, ठीक है. तो इसको ये देखिए इधर लिखा है ट्यूब इधर से जाएगा, तो इधर से ले रहा हूँ, ठीक है. और ये एक लॉक है इधर, देखिए ये एक लॉक है. इसको ये मतलब ट्यूब को मतलब वो एक जगह मतलब इधर इसके सामने में अटक के रखता है, ठीक है. तो इधर अभी सबसे पहले इसको इधर से डालना पड़ेगा और उसके बाद इसको अनलॉक. देखिए सेट रीसेट दो पॉइंट है, पहले उसको रीसेट करना पड़ेगा. तो रीसेट किया, उसके बाद फिर उन ट्यूब को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है. देखिए इधर से बाहर निकल गया, इधर प्रिंट होकर इधर से बाहर निकल जाएगा. तो अभी इसको इधर डाल दिया. सबसे पहले ये वाला जो ट्यूब लॉक है, ये वाला है हमारा ट्यूब है, इसको लॉक करें. तो इसको पहले ट्यूब लॉक करना पड़ेगा. देखिए सबसे पहले ट्यूब को हम लॉक कर दिए. अभी जो प्रिंट होता है जो रिबन पेपर है इसके साथ जो ट्यूब है इसको जो कॉम्बिनेशन बनता है ये दोनों इसको लॉक करना पड़ेगा, मतलब सेट करना पड़ेगा. तो देखिए इसको देखिए इसको इससे सेट करना पड़ता है. तो ये अभी सेट हो गया, ठीक है, सेट कर दिया. तो अभी हमारा रेडी हो गया टेबल प्रिंट करने के लिए, ठीक है. तो ट्यूब सेट कर दिए, ये रिबन है, ये रिबन इंक है सब, जिससे टेबल प्रिंट होता है. तो ये पहले से सेट किया हुआ है. अभी ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है. ढक्कन सॉरी ढक्कन लगा दिए. अभी ये देखिए इधर से निकल कर, ठीक है. अभी ये पूरा रेडी है फेरुल प्रिंट करने के लिए. और तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कीबोर्ड है इसका फंक्शन देखेंगे, मतलब किसका क्या फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे. इधर देखिए कीबोर्ड आपको दिख रहा है, देखिए जितना सारा सब कुछ है इधर, सब वैल्यू है. देखिए सब इधर स्केप है, साइज है, विजुअल सी स्लैश एस पी सी पीच सब कुछ है. तो इधर एक बात देखिए, ये जो ये जितना सारा अल्फाबेटिकल वर्ड है उसको डायरेक्ट दबाने से हमको वो मिल जाएगा. जैसे कि हम लोग अभी ए दबाएंगे, इधर आप लोग देखिए, ठीक है, इधर कुछ है, इधर बहुत कुछ है, ठीक है. इसको पहले डिलीट कर लेते हैं. अब देखिए इधर देखिए अभी डिस्प्ले में कुछ नहीं है, तो हमको ए दबाना है. देखिए ए दबाया, देखिए इधर ए आ गया ना ए.
आ गया। अभी हमको एस दबाना पड़ेगा, देखिए एस आ गया, ठीक है। ये जो जो वैल्यू ऊपर में लिखे हैं सब डायरेक्ट इसको प्रेस करने से मिल जाएगा। लेकिन सपोज मानिए आपको जो ए के ऊपर में जो हाइफ़न है इसको चाहिए, पर प्लस चाहिए या ए इक्वल टू चाहिए या प्लस स्लैश चाहिए, इंटीग्रेटिव मार्क चाहिए, और इधर भी ऊपर में भी देखिए ये साइज, डायरेक्ट साइज दबाने से देखिए इधर साइज आ जाएगा, देखिए आ गया ना साइज, ठीक है। लेकिन देखिए साइज के ऊपर में एक चीज़ है पी स्लैश लेंथ, तो इसको चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे उसको, कोई पे मतलब कहीं पे भी इसका रिक्वायरमेंट होगा, या वाई पे मान लीजिए आपका इधर देखिए कॉपी है, कहीं मानिए आपको कॉपी का ज़रूरत, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन ए बटन दबाएंगे तो कॉपी नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका जो ऊपर में मेमोरी लिखा है मेमोरी का आ जाएगा। देखिए आप से दबा देता हूँ, देखिए आ गया ना, सॉरी ये देखिए दबाया, देखिए आ गया, ठीक है। तो अपना ये आ गया, लेकिन हमको कॉपी चाहिए। अभी देखिए ये आ गया, इससे बाहर निकलने के लिए क्या चीज़ दबाना पड़ेगा, एस्केप, देखिए एस्केप दबाने से चला जाएगा, दबाया देखिए चला गया, तो हमारा इनिशियल कंडीशन में आ गए। अभी मानिए हमको कॉपी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जितना सारा ऊपर में डिजिट लिखा हुआ है या अल्फाबेटिकल अल्फ़ाबेट लिखा है उसको तो डायरेक्ट दबाने से मिल जाएगा, जो जो है ऊपर में तो लिख तो मिल जाएगा। लेकिन जो उसके ऊपर वाला जो लिखा है ये सब, या ये जो एच के ऊपर में जो बॉक्स है, या यू के ऊपर में जो एंड लिखा है, या ए स्टार जो भी है, ये सब लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा। देखिए शिफ्ट दबा के हमको मानिए आपको ए प्लस लेना है, ठीक है। देखिए इधर प्लस है, प्लस नहीं है, तो पहले इसको शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद इसको दबाएंगे, देखिए प्लस आ जाएगा, देखिए प्लस आ गया। तो ऐसे सब कुछ जो ऊपर में जो कुछ भी है मानिए आपको कॉपी करना है, तो देखिए अब इसको कॉपी कैसे करते हैं, देखिए कॉपी ऊपर में है, तो इसके लिए पहले हमको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, देखिए शिफ्ट दबा दिया, एक मिनट देखिए शिफ्ट दबाया, उसके बाद एक कॉपी, देखिए अभी अपना कॉपी हो जाएगा, देखिए कॉपी हो गया। अभी इसको पेस्ट करना है, देखिए पेस्ट भी ऊपर में ही है, तो डायरेक्ट इसको प्रेस करने से पेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर में है, तो इसके लिए शिफ्ट, देखिए पहले शिफ्ट, देखिए हमारा अभी कितना है एक, अभी देखिए पेस्ट करते जाएंगे वो वैल्यू बढ़ते जाए, शिफ्ट देखिए पेस्ट, अभी देखिए इधर कितना है एक है ना, अभी देखिए दो हो गया, बना दो, ऐसे करके जितना बार पेस्ट करना है उतना बार शिफ्ट दबा के, देखिए दो अभी तीन हो जाएगा, देखिए शिफ्ट दबाया, ये देखिए पेस्ट बना तीन, देखिए तीन हो गया, जितना बार चाहिए उतना बार शिफ्ट, उसके बाद पेस्ट दबाना पड़ेगा, पेस्ट होते जाएगा, ठीक है। तो ये सबका फंक्शन तो हो गया, ठीक है। और देखिए ये स्पेस है, ये अल्फाबेटिकल छोटा बड़ा एक कोड है, ये हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक का फंक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी टैग मानिए एक टैग लिख लिया, देखिए कोई भी एक टैग लिखा वो उसके बाद दूसरा टैग लिखना है, तो उसके लिए कोई एक टैग ख़त्म करने के लिए पहले ब्लॉक दबाना पड़ेगा, कोई एक टैग लिख लिया उसको एंड करके फिर ए पहले तो एक एंड होगा उसके बाद तो और एक स्टार्ट होगा, तो कोई टैग को एंड करने के लिए और दूसरा को स्टार्ट करने से पहले ये ब्लॉक को दबाना पड़ेगा। देखिए कोई एक देखिए ए एस प्लस मानिए एक टैग है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसके लिए एक ब्लॉक दबाया, देखिए तो मतलब ए टैग ख़त्म हो गया फिर एक स्टार्ट होगा, ए एस उसके बाद फिर प्लस, तो मतलब ये ब्लॉक का फंक्शन मतलब कोई एक टैग लिखा और उसको ख़त्म कर उसको एंड होगा उसके बाद नया स्टार्ट होगा, इसके बीच में एक ब्लॉक दबाना पड़ेगा जैसे कि उस टैग एंड हो गया, ठीक है। तो और तो फंक्शन देख लिए, ठीक है आज यही तक।